से मोदी जी जितना को दिया है ये करने के लिए, उस आधार से कितना व्यक्ति सही है, वो तो उन्हीं है, योगी आदित्यनाथ है। ऐसे ऐसे इंसान अगर कुछ पद पर और आएंगे तभी ये देश सुधरेगा। तो देश सुधरेगा जी। तो मोदी जी क्या काम किए हैं? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हमने देखा कि यहाँ एक कुशल कारीगर है जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई बहुत मेहनत करके आप जो है समझिए यहाँ ये बना रहे हैं। चलिए हम इनसे संपर्क करके पूछते हैं कि कितना ये काम कर लेते हैं। भाई आप सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम है गंगा पंडित नाम है सर। आप रेवड़ा पंचायत के ही रहने वाले हैं? जी सर, जी रेवड़ा पंचायत का रहने वाले हैं। अच्छा, ये पहले आप बतलाएंगे कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम करते हैं? ये अपना फुल टाइम करते हैं, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं ना सर जी। फुल टाइम करेंगे तभी ना दो पैसा इसमें निकलेगा, पार्ट टाइम करेंगे तब कहाँ कमाएंगे फिर। तो भर दिन में कितना कमा लेते होंगे? भर दिन में कमा लेते हैं वही 500-600 के हम तैयार करते हैं, पका उका करके झरना उरना काट करके हमने वही 400-350 ऐसे रोज कमा लेते हैं। अच्छा, आपके मुखिया जी कौन है उसके बारे में बतलाएंगे? मुखिया जी अभी वर्धमान में कलवार है, प्रसाद है, मिथिलेश प्रसाद। अच्छा जी सर। अच्छा, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उनके जो 5 साल में रहे हैं तो काम जो किए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, क्या कारण रहा? कारण ये है कि मुखिया बनाया जाता है वह गलत हो चाहे जो सभी को लिए, लेकिन ये मुखिया सीधे कहता है कि हमको वोट देवे नहीं किया। धार्मिक काम पर देखते हैं, सामने मंदिर बनाया उस पर आरोप लगाया, संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा, तो 5 साल से कोई काम नहीं हुआ? 5 साल से क्या हुआ? अच्छा, ये जो छत वाला घर मिला, इंदिरा आवास मिला आपको? कौन बोलता है जी इंदिरा आवास, यहाँ हम लोग का पहचान है, इंदिरा आवास कौन देता है जी, कमा के बनाए हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ खट के उसको यहाँ खट के बनाए हुए हैं हम। अच्छा, मोदी जी जितना को दिया है ये करने के लिए, उस आधार से कितना व्यक्ति सही है, वो तो उन्हीं है, योगी आदित्यनाथ है। ऐसे ऐसे इंसान अगर कुछ पद पर और आएंगे तभी ये देश सुधरेगा। जी मोदी जी क्या काम किए हैं? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। काम सबका विकास लेकर मोदी जी को नाम पर कहा, मोदी जी को नाम पर तो आदमी यहाँ झूठो मुठ के बिक्री हो रहा है, मोदी जी को नाम पर क्या काम करेगा तो सर? ये मुखिया जी किसके नाम पर काम कर रहे हैं, कौन से वार्ड पे? वो तो अब उन्हीं को पता होगा ना, हम लोग से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। जी नहीं। इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? इस बार वैसे आप कहते हैं हम खुद को मुखिया में फाइट कर रहे हैं, हम भी बाबा जी है। अच्छा अच्छा। और बोल दिए हनुमान जी के सामने के एक इंदिरा आवास में 20,000 लेता है, मैं एक सिक्का नहीं लूंगा, बाहर राहत में एक सिक्का नहीं लूंगा, मुझे कोई दौलत और नहीं कौन चाहिए। कौन क्या काम में लेंगे आप? तो हम कोई काम में नहीं लेंगे, देखते रहिएगा जी। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप को घोषित करते हैं कि चुनाव लड़िएगा? लड़ेंगे, उतना हिम्मत रखे हुए लड़ने। जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता चाह रहा है इसलिए तैयार हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं जाले प्रखंड के रेवड़ा गाँव में, जहाँ हम पंचायत चुनाव से पहले पब्लिक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि यहाँ के मुखिया जी के द्वारा कौन कौन से और कैसे सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिससे डायरेक्ट हम जनता से रूबरू हो रहे हैं। एक ख़ास पेशकश लेकर के हम आए हुए हैं जो जनता से हम पूछेंगे, ओपिनियन लेंगे कि किस प्रकार के कार्य किए गए हैं। सर भाई आप ये बतलाइए कि आप किस पंचायत के रहने वाले व्यक्ति हैं? रेवड़ा पंचायत। कौन से वार्ड के हैं? 4 वार्ड। नाम आपका क्या हो गया? MD नादिर जिलानी। ये आप बतलाएंगे कि आपके मुखिया जी कौन है? मिथिलेश प्रसाद। अच्छा, मिथिलेश प्रसाद के द्वारा 5 वर्ष में जो किए गए कार्य हैं, क्या सराहनीय कार्य किए गए हैं और क्या उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे पब्लिक हित न हो? एक काम तो कुछ हुआ नहीं, यही एक नल जला काम हुआ था, देख लीजिए जहाँ पर भी देखिएगा तो पानी बढ़ गया। अभी टंकी फूल है वहाँ से पानी गिर रहा है, आगे एक चौक है वहाँ चलने का रास्ता नहीं है, तो आदमी कहाँ से जाएगा? वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नाला नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना पानी निकलने का कोई हो रहा है, टंकी चालू है तो चालू है, नल टूटा है तो टूटा है, पानी गिर रहा है, जो चीज हो रहा है सब इधर उधर हो रहा है, कुछ नहीं। रेगुलर पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू, और इस पे मुखिया जी कुछ जो है कोई नया एक्शन नहीं ले रहे? कुछ नहीं, पानी गिर रही है, बह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ अगर जूम करके कैमरा देख रहे तो वहाँ देखिए पानी टंकी से फुल हो गया, पानी गिर रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, और सब भी कोई काम ऐसा किए हो जो मुखिया जी के द्वारा? ऐसा तो हमको कुछ काम नहीं नजर आ रहा है मुखिया जी के द्वारा। रोड क्या?
मेरा नाम राम सुरेश ठाकुर। आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? छ के। हाँ, इसी पंचायत के रहने वाले, वार्ड नंबर छ के। हाँ। आपके मुखिया जी कौन है? मिथिलेश। मिथिलेश बाबू के द्वारा जो काम किया गया है, आप तो बूढ़े आदमी हैं, आपका तो वृद्धा पेंशन होना चाहिए, है कि ये नहीं है? आए, आए। है। हाँ, कब से आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? करीब 4 साल से है। यानी उनके रीजन में मिल रहा है या उससे पहले से? उससे पहले से। अच्छा, आप बतलाएंगे बाबा आपका नाम? राम सागर ठाकुर। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी मिल रहा है। अच्छा, कब से मिल रहा है? मिल रहा है। इनके रीजन से या पहले से? नहीं, इन्हीं का रीजन, इन्हीं के रीजन से। तो मिला जुला कर कहा जाए कि ये अच्छा काम किए हैं? जी हाँ। अच्छा, मुखिया जी जो है आपके पंचायत के 5 वर्षों में जो काम किए हैं संतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ, संतुष्ट हैं। तो अभी जो चुनाव आने वाला है जी, अभी जो चुनाव आने वाला है आपके पंचायत में, तो कैसा माहौल है, कैसा माहौल चल रहा है, क्या होगा? अब वो माहौल के हम नहीं कह सकते। वोट देने का इरादा क्या बनाए हैं? वोट तो देबे करेंगे। किसके पक्ष में देंगे? कोई को पक्ष में निष्पक्ष होकर के देंगे या काम करने वाले व्यक्ति को देंगे? काम करने वाले व्यक्ति। दोबारा उनको मौका मिलेगा? आप देखिए ना, आप सबको जो विचार होगा वही ना होगा। नहीं, तो वोट का तो आपका विचार है ना, तो सबको विचार पर आप क्यों जा रहे हैं? बाबा आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कौन से वार्ड के? 12 के। आपके मुखिया जी कौन है? मुखिया जी तो अभी वो है। इरादा बना रहे हैं? जो सब देगा उसी में हम दे देंगे। अच्छा, सब देगा उसी में आप दीजिएगा? हाँ। सब अगर नहीं देगा तो? जब अकेला हम उसको से दे देंगे तो जीत जाएगा कौन? तब वोट तो अकेला अधिकार होता है ना, तो वोट तो देवे करेंगे किसी आदमी को। अच्छा अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। कौन वार्ड के? 10 वार्ड के। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं सर, नहीं मिलता है हमको। नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता। कब से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से नहीं मिलता है। तो साफ नहीं मिलता है हमको। आपका कितने भेल? 60 होगा सर। हो गया। हाँ। अब ना मिलेगा? हाँ, नहीं मिलता। अब मिलेगा। मुखिया जी को कहें कभी वृद्धा पेंशन के बारे में, अपने बारे में कितने बार बोले हैं उसको? सड़क का काम हुआ है आपके पंचायत में? नहीं अभी नहीं हुआ। मैंने अभी कहाँ मिले? अभी मोहम्मद शमीम मेरा नाम हुआ। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 5 से। वार्ड नंबर 5 है। अच्छा, आपके मुखिया जी के द्वारा जो इंदिरा आवास का स्कीम है, क्या उस स्कीम के तहत आपको कोई लाभ मिला? जी नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग कई बार लिख के दिए भी, उनके पास में गए भी, लेकिन ऐसे कुछ फायदा नहीं। आपका नाम APL में है या BPL में? BPL में। APL में? BPL। BPL में। BPL में कितना अंक पे है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं, ये तो नहीं जानकारी है। तो कागज हम आपको दिखा सकते हैं, कागज तो देख लीजिए। अच्छा, 13 अंक तक जिस व्यक्ति का भी अगर नाम होगा, खास करके अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है कि जिसका 13 अंक तक भी होगा तो उसको इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा, परंतु आपको इस तरीका का कोई लाभ कभी भी नहीं। मुखिया जी से आप बोले इसके बारे में? इसके बारे में कहा एक बार मुखिया जी सामने ही विश्व का आ चुके हमारे पास में, घर देख लीजिए घर पे। नहीं, आपका घर तो ही बतला रहा है कि आप जो है BPL लायक हैं, आपको मिलना चाहिए इसकी सुविधा, लेकिन आज तक नहीं मिली। मुखिया जी से आपने इसके बारे में कभी बताया कि सर मेरा नाम APL में या BPL में है? BPL में। मुखिया जी को कहा BPL में होने के बावजूद भी आपको मुखिया जी लाभ नहीं दिए? जाले प्रखंड अंतर्गत रेवरा पंचायत का जनसंपर्क करने के माध्यम से जब हम सड़क से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र खेत में बैठे हुए एक युवा व्यक्ति पर पड़ी। मैंने सोचा कि इस युवा व्यक्ति से क्यों नहीं इस युवा काल का ही शुभारंभ के साथ साथ उनसे पूछें कि आपके मुखिया जी के द्वारा 5 वर्ष में क्या क्या सराहनीय कार्य है और कौन से कार्य है जिसको आप स्वीकार करते हैं और कौन ऐसा कार्य है जिसका आप विरोध करते हैं। निष्पक्ष होकर के आप हमें इस बारे में बतलाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो बातचीत होती है खासकर पब्लिक ओपिनियन होती है, हम पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क करके उनसे साझा करते हैं कि क्या दुख और दर्द है। आप हमें बतलाएं जिस माध्यम से हम मुखिया जी से संपर्क करेंगे, आपके वरीय पदाधिकारी से संपर्क करके आपकी समस्याओं का सॉर्ट आउट निकालेंगे। तो चलते हम मिलते हैं रेवड़ा के एक युवा व्यक्ति से। सर, आप अपना नाम पहले बतलाएंगे आपका? मेरा नाम संजीत कुमार। आप रेवड़ा के ही रहने वाले हैं? जी। कौन से वार्ड के सर रहने वाले हैं? 13 वार्ड का। 13 वार्ड के। आपके मुखिया जी कौन है सर यहाँ? मिथिलेश प्रसाद। मिथिलेश प्रसाद जी का जो विगत 5 वर्षों में कार्य किया गया है, जैसे नल जल योजना होगा, सड़क निर्माण योजना होगा, PCC, RCC, उसके बाद आपको वृद्धावस्था पेंशन होगा, आवास होगा, इसमें उन्होंने किस तरीके से पब्लिक का सेवा किया है, कितना बढ़ चढ़ करके किया है? बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। जनसंपर्क में रहते हैं, पब्लिक का हर हमेशा काम करने में रहते हैं? रेवड़ा गाँव में इससे अच्छा कोई मुखिया नहीं है।
कोई मुखिया नहीं है, निष्पक्ष होकर आप बोल रहे हैं जी? ऐसा बात तो नहीं है कि आप उनके संबंधी उम्बंधी? नहीं नहीं नहीं, नहीं है, आप भी यहाँ की जनता ही है। आपके वार्ड में अच्छा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम। नल लगा है आपके वार्ड में? लगा है। उसमें से पानी निकल रहा है? निकल रहा है। अच्छा, आपके मम्मी पापा को वृद्धावस्था का उम्र हो गया? हो गया। तो उनको मिल रहा है वृद्धावस्था पेंशन? मिल रहा है। आप बतलाएंगे आप अपना नाम? मेरा नाम नीरज कुमार है। अच्छा, आप बोलेंगे सर अपना? मेरा नाम कौशल कुमार है। आप? अजय कुमार। आप सर? राहुल कुमार। सब लोग रेवरा के? सब आदमी रेवरा के हैं। कौन से वार्ड के हैं? सब लोग एक ही वार्ड के हैं? अलग अलग वार्ड के। आपके मुखिया जी कौन है सर, बतलाएंगे? श्री मिथिलेश प्रसाद। अच्छा, उनके द्वारा जो काम किया गया है कैसा काम किया गया? सराहनीय काम है। पाँच वर्षों में काम तो मिलाजुला का जो भी होता है वार्ड मेंबर के थ्रू होता है, मुखिया जी का जो काम है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। मुखिया जी के काम के बारे में आप बतलाइए। ठीक है। किस तरीका का काम ठीक है? जो बाकी काम हो रहा है वो सब ठीक है। नल जल योजना के बारे में बतलाएंगे? नल जल योजना तो फ्लॉप है, जो भी काम हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है नल जल योजना में। कैसे गलत काम हुआ है? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, कहीं पे पाइप नहीं है, कहीं पे टूटा हुआ है, बहुत सारा एक भी काम सराहनीय काम नहीं है। नल जल योजना टोटल फ्लॉप है, जीरो में जीरो है। आप बतलाएंगे सर नल जल योजना के बारे में? मेरे हिसाब से तो बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ, जो बिहार में सब ठीक है वैसे ही है। अच्छा, उसका पानी रिसाव के बारे में बतलाएंगे? पानी जो रिसता है रोडों पर लग जाता है, इसके बारे में क्या क्या? वहाँ पे बताने के बाद फिर ठीक किया जाता है। अच्छा, बूढ़े लोगों के लिए जो वृद्धा पेंशन वगैरह वाला काम है उस पे कितना मुखिया जी एक्टिव है? जी जो आते हैं उनका मतलब काम करवाना होता है वो सब चल रहा है। मुखिया जी के बारे में जब तक रेवड़ा में जितना मुखिया जी रहे सबसे अच्छा मेरे लिए है। हाँ, फुल सक्सेसफुल। दयनीय हालात देख रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं? हम आप मेरे साथ चलिए, हम 10-20 रोड पे जो अभी कभी उसमें मतलब ईटा नहीं करा हुआ था उसको हम एक नंबर सीमेंट जाके देखे, एकदम अच्छा ढलाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस रोड से आ रहे थे उस रोड में तो हम तो देखे पानी लगा हुआ है। पानी लगा हुआ है ना, तो पानी जिसके घर के सामने रहेगा नाला खोल देगा तो उसमें मुखिया क्या दिक्कत है? अच्छा, अच्छा। अगर मेरे घर सामने उतना अच्छा ढलैया है हमारे पानी रहेंगे तो मुखिया का थोड़ी हम दोस्त देंगे। अच्छा, वो मेरा घर के सामने है तो हमें उसका प्रोटेक्शन करनी चाहिए। साफ सफाई हमको रखना है ना जी। मेरा नाम मिराज अहमद है। कौन से वार्ड के आप हैं? 8, वार्ड नंबर 8 के हैं। आपके मुखिया जी? मिथिलेश प्रसाद। मिथिलेश प्रसाद के द्वारा जो 5 वर्ष में काम किया गया है, जैसे नल जल योजना, सड़क योजना, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इसके बारे में कुछ बतलाएंगे आप? बाकी सब योजना तो सरकार का खुद दिया हुआ, सेंट्रल का है, लेकिन जो निजी क्षेत्र में दिया गया है योजना में उसमें तो आपको जल जल योजना तो बनाया गया वो सही है, मगर इसकी जो नाली का जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस साधन का कोई उपाय नहीं किया गया। जो पहले आपको खाने से पहले उसकी निकासी के उपाय किया जाता है, लेकिन खाने आप पानी के लिए तो इंतज़ाम हो गया है लेकिन पानी निकासी नहीं होगा तो इसका हालत क्या होगा कि आदमी बीमार पड़ेगा। अच्छा, नल जल योजना जो है तो उसमें नल में जल आ रही है कि? हाँ, नल में जल आ रही है जो आपके सामने भी बह रहा है। अच्छा, उसके पानी का समस्या है, जो पानी जो है रोड पे ही रोड पे ही बह रहा है, और उस समस्या से पानी से क्या मतलब जो निकासी होती है उसके अगर रुक जाता है पानी, उसमें गंदगी मच्छर क्या होता है वो तो आप हमसे बेहतर समझ सकते। अच्छा, ये बतलाएंगे इंदिरा आवास आपको मिला? जी नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला। उसमें नाम ही नहीं आपका? नाम ही नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह में नाम है? राशन कार्ड में नाम है, सबका है। इंदिरा आवास आपको नहीं मिले, और भी सरकार का कोई ऐसा लाभ? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ, कोई लाभ नहीं। रोड मेरे यहाँ बाकी है, जीवेश बाबू के कृपा से मेरे गाँव में एक भी रोड बाकी नहीं है, छोटा रोड जितना था मुखिया जी के कृपा से सब हो गया। अच्छा, जनसंपर्क करने के माध्यम में हमने देखा कि एक निशक्त व्यक्ति जिसको पांव से चलने से भी निशक्त था, जब हमने उनसे संपर्क साधा और उसे पूछा कि आपको कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम मिल रहा है जैसे व्हीलचेयर हो, कुर्सी हो, या साइकिल हो, तो या फिर समझ जाइए उनको जो वाला एक पेंशन हो, निशक्ता पेंशन, वो मिल रहे तो बोला नहीं सर, हम उसके बारे में नहीं बोला कि हमने मुखिया जी को कई बार आवेदन भी दिया है। पेंशन नहीं मिलने का तो सवाल नहीं उठता है। अच्छा, हो सकता है पंचायत में भरपूर काम हुआ है? जी सर, भरपूर काम हुआ है, हमको इनका जात नहीं है कि इनके हम पैसा लेकर ठीका पर बोल रहे हैं। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो नल जल योजना है जी, आपके हिसाब से कहाँ तक सफल हुआ? रौरा में पूरे जाले में सबसे ज्यादा यहाँ सफल कार्य हुआ है। सच में चल आप नहीं तो हमारे वार्ड में चलिए। अच्छा, कौन सा वार्ड के हैं आप? हम 3 नंबर वार्ड के हैं। 3 नंबर वार्ड जी। अच्छा, हो सकता है 2-4 को तोड़ दिया है भैंसी से, गाय से, किसान का बच्चा है खेलने कूदने में, बाद बाकी सारे नल में पानी आता है। कहीं मिसयूज तो पानी का ना हो रहा है? हो रहा है मिसयूज जी, थोड़ा बहुत हो रहा है। इस वक्त मिथिला लाइव 24 के संवाददाता
जाले प्रखंड स्थित रेवरा गांव पहुंचे हुए हैं, जहां रेवरा पंचायत के मुखिया जी से संपर्क करेंगे और मुखिया जी के द्वारा 5 वर्षों में विगत किए गए कार्यों का आकलन प्राप्त करेंगे कि आपने किस तरीके से पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं दी कोरोना काल से लेकर के बीते वर्ष और अब तक आपके द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त में हमें बतलाएंगे। तो हम अब रेवरा पंचायत के मुखिया मिथिलेश प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं। हाँ सर, आपका मिथिला लाइव 24 पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं मिथिला चैनल को। सर, आप अपना परिचय देते हुए ये बतलाएंगे कि आपने विगत वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं। मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद हुआ, ग्राम पंचायत रेवरा का मुखिया। हम विगत 5 वर्षों में बहुत से ऐसे काम रेवरा पंचायत में किए हैं, जैसे वृद्धा पेशेंट, उसके बाद इंदिरा आवास, उसके बाद रोड नाला और बहुत सा मतलब स्कीमें जो चला अब सामने में भी है। सर, आप कितने वर्षों से पूर्व में मुखिया हैं? हम 5 वर्षों से मुखिया हैं, इससे पूर्व में मेरी पत्नी थी 6 से 12 वाला में। तो 6 से देखा जाए कि 6 से लेकर के अभी तक आप ही इस पंचायत का नेतृत्व करते आ रहे हैं। बीच में कुछ दूसरा आदमी थे, सैलरी भी थी, उसके बाद फिर पुनः हम इसमें 14 में। तो पुनः बनने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जनता आपको जो है स्वीकार कर रही है और आने वाले वर्ष में भी आपका अच्छा पोजिशन रहेगा, पॉजिटिव थिंक किया जा सकता है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है। जनता जनार्दन से भी बात किया जाए और कुछ इंटरव्यू आप गांव में घूम करके भी लीजिए, क्या है नहीं है। जन संपर्क करने के माध्यम से हमें पता चला सर कि आपने वाकई सराहनीय कार्य किए हैं। तो आप सर ये बतलाएंगे कि COVID-19 यानी कोरोना काल में आपने पब्लिक की सेवा किस प्रकार से की है? सर, इस मतलब पंचायत में पहले तो ग्राम स्तर पर COVID-19 का ये शिविर खोला गया था, बाद में मेरा काम धाम अच्छा देखते हुए प्रखंड स्तरीय कर दिया गया। इसमें हमने उसका जितना सरकारी सुविधा है मोटा मोटी अधिकतर हमने उसमें सब काम किए, जैसे उसको मास्क, साबुन, तेल, खाने का सुविधा। और उसमें सबसे बड़ी बात था क्या कि 3 महीने के दौरान हम उनको घर के तरह खाना दिए। जितना भी मेरे सेंटर पर आदमी थे उनका नंबर और मोबाइल नंबर सब है मेरे पास, उस सबसे भी इंक्वायरी कर सकते थे। सुबह में हम लोग करते थे क्या कि चाय बिस्कुट देते थे, फिर उसका घूनी चूरा देते थे 9:30 बजे, 12 बजे दाल भात सब्जी और तिलौरी या पापड़ देते थे, फिर 2 बजे करीब उनको चूरा मीठा दिल है तो खा लीजिए, फिर शाम में चाय भी उसको रात में खाना। ये कंटिन्यू टाइमिंग बना हुआ था, उस टाइमिंग के हिसाब से सबको देते, और कभी कभी दूध भी पिलाते थे हम लोग। कभी कहता था भैया हलवा खाएंगे तो उनको भी खिला देते थे, मतलब और हम जितना भी रखे सबको अपने अपने हिसाब अपने। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सड़क की बात कर रहे हैं, तो कितना सड़क बनाया गया आपके पंचायत में? मेरा कम से कम 15 से 20 सड़क बनाए गए हैं। और नाला का कितना निर्माण किया गया? नाला पहले से भी कुछ और 2-3 नाला भी बनाया गया, ये 2-3-5 नाला बनाया गया, यानी कि टोटल 5 नाले बनाए गए हैं। और वृद्धा पेंशन कितने लोगों को उपलब्ध? कम से कम 350 टोटल, तो ऐसे 700-800 है जी। इस दरमियान 350 करीब 300-350 के करीब आपने दिया है। आवास कम से 5-5.5 करीब। सर, जनता आप पे आरोप लगा रही है जातिवाद का, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पूर्ण रूप से गलत है, इसीलिए जातिवाद, क्योंकि जातिवाद करेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए कि मेरे गांव जाति का जनसंख्या मेरा है नहीं, 20-30 घर हम लोग हैं, अदर जाति सब बहुत है। अगर हम जाति पर अगर लेकर के चलेंगे तो हम कहीं पंचायत में कहीं है ही नहीं। हमसे ऊँचाई बहुत ऐसे जाति हैं यहाँ जो हम हमारा जाति में अगर काउंटिंग है तो 9वां स्थान मेरा पंचायत में पड़ता है। और जाति लेकर चलेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे, कि क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है और सब पे विश्वास करते हैं, तो ही मिला करके हमको विश्वास के ऊपर कोई वोट देते हैं। अच्छा सर, निःसक्ता पेंशन आपने कितना किया होगा? निःसक्ता मेरे यहाँ कम होगा, टोटल होगा कम से कम 60-70।
जनसंपर्क के माध्यम से सर उस वक्त पता चल रहा था कि एक निशक्त व्यक्ति को हमने रोड किनारे देखा, जब उससे हमने संपर्क साधा और पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई सुविधा नहीं मिला। वृद्धा पेंशन का भी नहीं, निशक्ता वाला नहीं, निशक्ता पेंशन उसको होनी चाहिए। हाँ, सर व्हीलचेयर होनी चाहिए, व्हीलचेयर जो है साइकिल होनी चाहिए, ठीक ठीक वो सब चीज उसको सुविधा। देखिए हमें हमारे सामने दो आदमी आया, एक हमारे एक दुखरन दास है उनका लड़का है, तो बीसो दास के टोला में उसके पैर नहीं है, तो दोनों का वहाँ फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। और इससे पहले था तो महावीर पंडित महावीर महतो, उनको ये कर सकते हैं। अच्छा, जल नल योजना से पहले, जल से पहले जो नाली, पक्की नाली निर्माण होनी चाहिए, ऐसा सर आप भी जरूरत महसूस कर रहे हैं या नहीं? हाँ एकदम 100%। तो सर चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये आवाज आप कैसे अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि सर जल नल योजना से पहले पक्की सड़क नाली योजना होनी चाहिए? जो तो सरकार तो दे रहे कि हाईवे ताइवे जहाँ उसके दोनों साइड नाली होनी चाहिए, दे रही है सरकार। तो यहाँ भी इस यहाँ भी जो पंचायत स्तर पर होता है तो उसमें अगर NOC देता है पंचायत स्तर से भी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार तो कही रही है कि नहीं, नहीं मिल पा रहा आप लोग को। NOC लेना होगा, इसलिए कि NOC कुछ लिए हैं तो एक दो ठो बना है। अच्छा। तो चैनल बाय चैनल हमको लगता है वही मिल जाएगा। आपके आठ नंबर वार्ड में कब तक ये काम को शुरू किया जाएगा? वो आठ नंबर वार्ड में बना है, वार्ड नंबर वार्ड में देखिएगा कि 15 से 20 फीट छुटा हुआ है जहाँ पानी लगा हुआ है, नहीं तो उसके दोनों तरफ देखिएगा बना हुआ है। अच्छा। तो उसको उतना ही ज्वाइन करना, 20 से 25 फीट होगा ज्यादा से ज्यादा, यानी कि आप जल्द कर दिया जाएगा? हाँ जल्द कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो काम जल्द कंप्लीट, काम कंप्लीट कागार पर है भी, कुछ बाकी है तो कर दिया जाएगा।